हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जरा इस ग्राफ को देखो। इसमें हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को उनके साइज और मास के हिसाब से तीन कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें अर्थ यहां पर है। बट गेस व्हाट, अभी रिसेंटली JWST ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया है जिसका मास अर्थ का 91% है और साइज 99%। अगर हम उसे भी इस ग्राफ पर प्लॉट करें तो वो यहां पर आएगा एग्जैक्टली अर्थ के बगल में। So, क्या हमें अपने अर्थ का आइडेंटिकल ट्विन मिल चुका है? और अगर हाँ तो इसमें और अर्थ में कितनी सिमिलैरिटीज हैं? इन्हीं सवालों का एक प्राइमरी आंसर ढूंढने का काम कर रहा है नासा का ट्रांजिशनिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, यानी कि टेस्ट। इनफैक्ट इस एक्सोप्लैनेट को JWST से पहले टेस्ट ने ही स्पॉट किया। दरअसल हुआ यू कि नासा के टेस्ट सैटेलाइट का मेन काम था स्टार्स के ब्राइटनेस को मॉनिटर करके उसके और स्टार के बीच के ट्रांजिट करने वाले एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट करना। अब टेस हर रोज की तरह एक दिन हमारे सदर्न पोल स्टार पोलारिस ऑस्ट्रेलिया को होल्ड करने वाले ऑक्टेंस कॉन्स्टेलेशन का सर्वे कर रहा था कि तभी उसने LHS-475 नाम के एक स्टार की लाइट को अचानक से डिम होते हुए देखा। टेस ने फिर तुरंत LHS-475 स्टार के सडन लाइट डिप के ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को स्टडी करना शुरू किया और उसके बेसिस पर उसने वहां एक एक्सोप्लैनेट को डिटेक्ट कर लिया जो हर दो दिन में अपने पेरेंट स्टार के चक्कर काट रहा था। बट एक सेकेंड, यहां पर ऐसे पीरियोडिक डिप्स तो स्टार्स नेचुरली भी दिखाते हैं, जिसमें से एक स्टार के बारे में तो हमने अपने इस रेड जायंट स्टार वाले वीडियो में खुद कवर किया। सो क्या नासा ने टेस्ट की मदद से जिस अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट को डिटेक्ट करने का दावा किया है, क्या वो एक फॉल्स पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है? क्योंकि स्टार की खुद की डिमिंग के अलावा बाइनरी स्टार्स जब एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तब भी ब्राइटनेस में डिप आ सकती है, और इन जैसे ऑब्जर्वेशंस को साइंटिस्ट फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। और इसीलिए टू टैकल दिस विद फुल सर्टेनिटी नासा ने JWST से टेस्ट के ऑब्जर्वेशंस को फिर से रिविजिट किया और उन्हें पता चला कि LHS-475b एक्सोप्लैनेट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है और वो अर्थ लाइक भी है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू ओवर हियर। देखो, नासा ने जब JWST की मदद से LHS-475b एक्सोप्लैनेट को लगातार दो ट्रांजिट पीरियड्स के लिए ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये नोटिस किया कि उस एक्सोप्लैनेट की साइज छोटी होने से उसके पेरेंट स्टार की लाइट में आया हुआ डिप काफी स्मूथ और शैलो है। नाउ इसके विपरीत अगर यही डिप किसी दूसरे कंपेनियन स्टार की वजह से ऑब्जर्व हुआ होता तो वहां पर शार्प पीक्स आते, और साथ ही जैसे आपको बताया प्लैनेट्स की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती जिससे वो हर लाइट फिल्टर में सेम डिप दिखाते हैं, जबकि स्टार्स की नेचुरल डिप अलग अलग लाइट फिल्टर्स में अलग अलग दिखाई देती है। सो दिस वॉज अनदर प्रूफ कि वो डिप एक प्लैनेट की वजह से ही है। फिर एस्ट्रोनॉमर्स ने इस फॉर्मूले और ट्रांजिट में आने वाली डिप से इस न्यूली डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट LHS-475b का रेडियस कैलकुलेट किया, और इसके बाद फ्रेंड्स इस सिंपल से केपलर्स लॉ की मदद से साइंटिस्टों को यह पता चला कि ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। और लास्टली उस पेरेंट स्टार के वॉबल से उन्हें यह पता चला कि LHS-475b साइज और मास में बिल्कुल अर्थ जैसा ही है। इंटरेस्टिंग, राइट? सो अभी आपको मालूम पड़ गया कि किस तरीके से साइंटिस्टों ने नक्की किया कि ये प्लैनेट वाकई में वही प्लैनेट है जिसकी हमें तलाश है। बट वॉट, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है? वो ये है कि JWST द्वारा ढूंढा हुआ पहला और ओवरऑल कंफर्म होने वाला अब तक का सिर्फ 5347th एक्सोप्लैनेट है। अब आपको ये नंबर बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट when you compare it with the possibility of life, तो ये 5,500 planets जो भी हमने ढूंढे हैं, ये life की rarity के सामने कुछ भी नहीं है। बहुत ही little to no chance है कि इन planets में हमें शायद से probabilistically life मिल सकता है, life के symptoms दिख सकते हैं। That is how rare life is। तो सबसे पहले तो अपनी पीठ थपथपा लो, because you are rare। और आगे बढ़ते हैं। तो guys, अभी ना साइंटिस्टों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नया तरीका मिला है जो कि माइंड ब्लोइंग है, जिससे हम ढूंढ सकते हैं ऐसे प्लैनेट्स को। वो तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये वैसे एक प्रॉब्लम है, एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जिसे कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल लिथियम प्रॉब्लम। तो देखो, इस सो कॉल्ड कॉस्मोलॉजिकल लिथियम प्रॉब्लम के अनुसार इस ब्रह्मांड के स्टार्स में जितनी भी लिथियम मौजूद है वो बिग बैंग के दौरान ही प्रोड्यूस हुई थी, एंड हर एक स्टार में उनके साइज के हिसाब से प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ था। पर जब एस्ट्रोनॉमर्स ने सन के साइज के स्टार से हमारे सन को कंपेयर किया तब उन्हें यह पता चला कि सन में उसके साइज के हिसाब से जितना लिथियम प्रेजेंट होना चाहिए आइडियली उतना नहीं है, बल्कि उससे लगभग 10 गुना कम लिथियम था। और उसके पीछे का रीजन क्या था यह बताती है 500 स्टार्स पर एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा की गई एक स्टडी। सो इस स्टडी में ना एस्ट्रोनॉमर्स ने 500 स्टार्स की लाइट स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया, जिससे पता चला कि करीब 70 स्टार्स इंक्लूडिंग सन में लिथियम की मात्रा नॉर्मल से कम थी। बट हियर इज द बेस्ट पार्ट, इन सब में कॉमन क्या था? उन 500 स्टार्स में से
सिर्फ इन्हीं 70 स्टार्स के पास अपना खुद का प्लैनेटरी सिस्टम था, जस्ट लाइक आवर सन। मतलब इन स्टार्स का लिथियम उनके प्लैनेट्स में भी बटा हुआ है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू था जिसकी मदद से पहला हमें नए 100 प्लैनेट्स को डिटेक्ट करने का एक और एक रास्ता मिल गया, क्योंकि लिथियम कम मतलब हाई चांसेस कि उस स्टार के पास सोलर सिस्टम है। और दूसरा, इनके ऑब्जर्वेशन से हम अपने सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स को भी समझ सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू हाउ। देखो, एज वी ऑल नो, प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से, पर इस प्रोसेस को हमने कभी भी लाइव नहीं देखा था until recently, जब एक एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन में पृथ्वी से 32 लाइट ईयर्स दूर एक AU माइक्रोस्कोपाई नाम के स्टार के अराउंड एस्ट्रोनॉमर्स को एक्टिवली प्लैनेट्स बनाती हुई प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क दिखी। नाउ जब इस डिस्क को एस्ट्रोनॉमर्स ने स्टडी किया, तब उन्हें यह पता चला कि ये डिस्क जिस तरह के प्लैनेट्स को जन्म दे रही थी, वो प्रोसेस बहुत हद तक अलग था फ्रॉम द वे थियोरेटिकली हमारा सोलर सिस्टम बना हो। जरा फिर एक बार इस ग्राफ को देखो, इसमें कुछ आपको अजीब नहीं लगता? इसमें हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को उनके साइज और मास के बेसिस पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के बाद नेपच्यून तक पहुंचने के लिए साइज और मास में एक बड़ा जंप आता है, एंड दिस इज वियर्ड, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम ने छोटे बड़े सभी प्लैनेट्स को जन्म दिया, लेकिन इस साइज और मास के प्लैनेट को बनाने के बारे में उसने सोचा तक नहीं। एंड ऑन द अदर हैंड, हमने अब तक जितने भी प्लैनेटरी सिस्टम्स डिस्कवर किए हैं, उनमें इस गैप को फिल करने वाले कई सारे प्लैनेट्स ऑब्जर्व हुए हैं, जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स सुपर अर्थ्स कहते हैं। अब वैसे तो सुपर अर्थ्स बाय डेफिनेशन सिर्फ साइज और मास में अर्थ से बड़े होते हैं, बट रीसेंट डेटा के हिसाब से साइंटिस्टों ने यह दावा किया है कि यही सुपर अर्थ्स एक्चुअली अर्थ लाइक लाइफ फॉर्मिंग एबिलिटीज भी रखते हैं। इनफैक्ट इनका तो एनवायरनमेंट लाइफ फॉर्मेशन के लिए अर्थ से भी ज्यादा कंड्यूसिव है, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा मगर किसी भी प्लैनेटरी सिस्टम में सुपर अर्थ्स के होने से वो स्टार सिस्टम काफी जल्दी स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इन प्लैनेट्स के मास की वजह से उनकी ग्रेविटी जुपिटर जितनी ज्यादा भी नहीं होती कि वो सभी एस्ट्रॉइड्स को अपने तरफ खींच ले, और ना ही उनकी ग्रेविटी इतनी कम होती है कि वो अपने रास्ते में आने वाले ऑब्जेक्ट्स को दूर हटाने में फेल हो जाए, और इस वजह से प्लैनेट को डिस्ट्रक्शन के चांसेस कम होते हैं। ऑल्सो क्योंकि ये प्लैनेट साइज में अर्थ से ज्यादा मैसिव होते हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी ग्रेविटी भी अर्थ से ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये प्लैनेट्स एक थिकर एटमॉस्फेयर को सस्टेन कर सकते हैं जो हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन से इन्हें प्रोटेक्शन देती है। और इट डजंट स्टॉप ओवर हियर, ज्यादा मैसिव होने से ये प्लैनेट्स अपने कोर्स के अंदर ज्यादा हीट ट्रैप भी कर सकते हैं, इवन प्लैनेट्स में आइस एज आने की संभावना भी कम हो जाती है। प्लस प्लेट टेक्टोनिक से कार्बन साइकिल यानी एटमॉस्फेयर और सरफेस के बीच कार्बन का बैलेंस मेंटेन हो जाता है, और कार्बन जैसे हम सब जानते हैं अपने कैटेनेशन प्रॉपर्टीज के वजह से लाइफ फॉर्मिंग कॉम्पाउंड जैसे DNA, RNA, प्रोटीन्स बनाने के लिए सक्षम है। इनफैक्ट यही वजह है कि किसी भी एक्सोप्लैनेट की हैबिटेबिलिटी का अंदाजा लगाने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं। अगर उसके एटमॉस्फेयर की मदद से हमें यह पता चलता है कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो डेफिनेटली चांसेस हो सकता है कि वहां पर पानी है, और अगर वहां पर एक फेवरेबल टेम्परेचर है जैसे -20 डिग्री सेल्सियस टू 122 डिग्री सेल्सियस, तो यही पानी वहां पर लिक्विड स्टेट में मौजूद हो सकता है, यानी अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू सस्टेन लाइफ, जिसमें एटमॉस्फेयर फेवरेबल है, उसका एलिमेंटल कॉम्पोजिशन फेवरेबल है, टेम्परेचर फेवरेबल और वाटर का स्टेट भी फेवरेबल। इनफैक्ट यही वजह है कि इन सभी फैक्टर्स के साथ हैबिटेबिलिटी को सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने डिफाइन किया, और यूनिवर्स में लाइफ को स्टडी करने के लिए एक नए ब्रांच एस्ट्रोबायोलॉजी को ही इजाद कर दिया। फिर हबल लॉन्च के 5 सालों में ही एस्ट्रोनॉमर्स को पहला एक्सोप्लैनेट 51 Pegasus b मिला, और उसके बाद फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। जैसे जैसे एक्सोप्लैनेट्स की तादाद बढ़ती गई, एस्ट्रोनॉमर्स ने उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स लाइक अर्थ, सेकेंड सुपर अर्थ जो अर्थ से बड़े हैं लेकिन नेपट्यून से छोटे और बीच का गैप फिल करते हैं, कैटेगरी 3 नेपट्यून्स यानी नेपट्यून जैसे आईसी प्लैनेट्स, और कैटेगरी 4 गैस जायंट्स लाइक जुपिटर। अब हैबिटेबिलिटी के 4 क्राइटेरियाज के हिसाब से जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इन 5347 एक्सोप्लैनेट्स को क्लासिफाई किया, तो उन्हें 62 ऐसे प्लैनेट्स मिले जो हैबिटेबल थे, और उनमें से भी 42 एक्सोप्लैनेट्स रेड ड्वार्फ स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि रेड ड्वार्फ स्टार्स की जो लाइफ स्पैन होती है वो ट्रिलियन ईयर्स तक की होती है, और इतने ज्यादा टाइम के लिए स्टेबल होने की वजह से इन स्टार्स के अराउंड प्लैनेटरी सिस्टम फॉर्मेशन के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। बेसिकली स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा समय तक रहेगी उतने ज्यादा लाइफ के उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही रेड ड्वार्फ्स सन से कंपैरेटिवली ठंडे होने की वजह से उनके करीब ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में आ जाते हैं, और वो जल्दी डिटेक्ट भी हो जाते हैं। इनफैक्ट इसी वजह से टेस LHS 475b को इजीली डिटेक्ट कर पाया था, हालांकि उसके शॉर्ट
शॉर्टकमिंग्स की वजह से इवेंचुअली JWST को वो काम टेक ओवर करना पड़ा। एक्चुअली होता ही है ना कि स्पेसिफिक एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर रेंज की इंफ्रारेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, जिस वजह से वो वेवलेंथ JWST के नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप की नजरों को दिखाई नहीं देती और इससे उस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन का पता चलता है। इसे हाल ही में स्टडी किए गए WASP-39b केन ऑब्जर्वेशन से समझते हैं। यहाँ पर वाटर 2-3 micrometers और कार्बन डाइऑक्साइड 2.76 micrometers एंड 4.25 micrometers के वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर रही है। इसका मतलब इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ये दोनों मॉलिक्यूल्स मौजूद है, मगर LHS-475b के केस में रीडिंग्स इतने रैंडम है कि एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से या तो इस एक्सोप्लैनेट के पास एटमॉस्फेयर ही नहीं है या फिर एक डेंस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर है और इस डेंस एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड सभी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इस पर फ्रेंड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए LHS-475b को कुछ ही सालों में JWST के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट मिरी से 5-28 micrometers की वेवलेंथ पर फिर से ऑब्जर्व किया जाएगा, क्योंकि इससे वो एलिमेंट्स स्लैश मॉलिक्यूल्स भी डिटेक्ट होंगे जो नियर इंफ्रालाइट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और अल्टीमेटली एस्ट्रोनॉमर्स LHS-475b की हैबिटेबिलिटी का एक होलिस्टिक आंसर दे पाएंगे। बट फ्रेंड्स यू नो व्हाट, ये प्लैनेट्स तो कुछ भी नहीं है, ऐसे भी कुछ प्लैनेट्स हैं जो पृथ्वी से कहीं ज्यादा हैबिटेबल है, यानी हम इन्हें सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स कहते हैं। और यहां पर आप चले गए ना तो मानो आपके अंदर सुपर पावर्स आ जाएगी। अब ये कौन से प्लैनेट्स हैं और पृथ्वी से कितने दूर है और यहाँ पर लाइफ कैसे पॉसिबल हो सकती है, इसे ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है। काफी इंटरेस्टिंग प्लैनेट्स हैं जो आपका माइंड ब्लो कर देंगे कि यूनिवर्स में ऐसे ऐसे प्लैनेट्स भी हो सकते हैं। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके यू कैन वॉच दैट वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो। और फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना, सब्सक्राइब टू गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल एंड स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय हिंद।